तो सभी लोगों को म्यार प्यार बोलो नमस्कार है, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो देखो समेट दिखेण काफी बड़ गाँव है, शायद बीरू खाला ब्लॉक का सबसे बड़ गाँव है, क्योंकि पिछले बटे बेदीखाल बट लोग बने सके जो चोरखिंडा गाँव है, यो बीरू खाला ब्लॉक का सबसे बड़ गाँव है। तो आज जाना छो चोरखिंडा गाँव में और यो बीरू खाला ब्लॉक में और पट्टी पड़ दो सावली। तो जी ठीक है, गाँव के तैल तरफ पहुँच गयो, ये दिखेण चोरखिंडा गाँव। तो ये मैं एक बूढ़ी क्यारी बाड़ी का नी बूढ़ी है, नमस्ते बूढ़ी। ठीक ठाक तो सुबह सुबह लेके लग गयो? अरे के कारण ताबु ये देख के कयो छो। अच्छा तो जो आप चोरखिंडा गाँव छे ना, हां यु तैला मेला छे, हां बड़ोल को छे, बड़ोल यो छे तैला बोल है, तैला लोग बाग मिल जाला ना हम तो, हां मिल जाला है, मिल जाला बिल्कुल, आधा लोग की नहीं फने जा छे। हां और देखो गाँव यो छे और वही पल साल तक रोड यो छे, लेकिन रोड का बहुत बुरा हालत, बहुत बुरा हालत, जर बनाए दिया रे हमार रोड था ही का बटे हो तुम हमरी खिनी खाल ब्लॉक। अच्छा और एक मंदिर छे गाँव के ठीक तैल तरफ यो छे बाबा विश्वनाथ जी मंदिर है। अच्छा शिव जी मंदिर, शिव जी मंदिर और एक ये समेला बीच मंदिर तो अच्छा मत्थी एक मंदिर। हाँ तो बड़ी क्या करी अब क्यारी बाड़ी, क्यारी बाड़ी देखी थी कहीं ची पर सुंगरल तो उजाड़े ली, लेकिन बहुत बड़े मोड़ चाहिए खाते एक देखो एक बार दिखा बिल्कुल काली मिट्टी से तीन तो खेती बाड़ी बड़े होंदल मतलब प्याज लासन है तो दाउन पासी दिया ने सुंगरल खयाल बल्ली का भारी भल के खरियाल। हां हां इन बिनि रखियो छ कि के काम जरा एक कन कारत कुछ बाड़ उड़ बस बढ़िया अभी वीडियो बन रस तब देख लो कोशिश चला। हां शीत बिल्कुल तो गांव का रास्ता ये मंदिर मटकी जानो है। हां ऊपर खंतना रास्ता ना हां देखना छी और गांव के पंदेर योज दियो ये पानी कमी नहीं मतलब पानी पाइप लाइन भी वाली गाँव है तो चलो अभी चलना चो आप चलता छो जरमा। अच्छा बूढ़ी तो बूढ़ी दगड़ बात करने के बाद हम दीदी धोना छी कपड़ा। दीदी नमस्कार, ठीक ठाक? हाँ तो कपड़ा धोना छो है तो गाँव में नहीं आनु पानी क्या? अच्छा वो क्या दिन भर नहीं आनु पानी क्या टाइम टाइम पर? अच्छा ये बहुत पानी में चाप है पानी का गुनगुन हुई हुई। अच्छा तो जब गाँव में पानी नहीं आती है रोड मटकी गाँव का जो रास्ता से देखो पुल पार करी कान छो और ये जानो सीसी मार्ग और समझ से बाबा विश्वनाथ जी मंदिर तो चल रहा छो मैं एक बार दर्शन कर दो फिर चल रहा गाँव की तरफ। तो मंदिर में जाना खन देखो ये बनी हुई गेट जय भोलेनाथ और भैर में नंदी जी से जय हो और ये बनी हुई हवन कुंड जय हो बाबा विश्वनाथ की। तो यो जी देखो मंदिर है और भैर में से ये मैं भैरव मंदिर जय भैरव बाबा। ठीक भाई जी और मिल गई तो भाई जी नमस्कार है, क्या कहना चाहो आप? ये पैंट करना चाहिए। अच्छा तो खूब खेती बाड़ी होने को हम क्या खेती बाड़ी भी कहाँ सुंदर बांध रहे जाने से। अच्छा लेकिन फूल ना भागो ही नहीं आओ जो मंदिर से ना एक पूजा पाठ कब कब कर दो? पूजा पाठ परसी आएगा भी पूजा कब है? तीन चार अच्छा तो सभी गांव वाले शामिल हों दलेम है। हाँ जी सर नमस्कार। तो पेंटिंग सेंटिंग चल है तो मंदिर अभी बन के नहीं कब बनो पहले नहीं छे अच्छा छोट छे चलो बढ़िया और यम के बनियो भोजनालय है और यम लगी हुई है पीपल का पेड़ तो अभी लगी रोली एक दो साल पहले शायद है बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो आप गांव तो काफी खूबसूरत से दिखना लेकिन जो ये आना का रोड से ना खराब है बहुत हालत खराब आप ही गाँव का। अच्छा और भाई साहब भी तो चलो जरा इन्हें बता दू की गाँव से जो कद का पड़ चुका परिवार खोलो यो चीकंदा आप रही हूँ ची परिवार 150 करीब रही हूँ इधर लोग आए रहना चाहिए और पहल कत छे पहल तो 1300 छे। अच्छा एक बड़े नजदीकी मार्केट के पड़ दिया पगा बेदीखाल बेदीखाल कत गांव ले पड़ी 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर है पहुंच गयो गांव के ठीक तेल तरफ ती हम बड़े जाना सी दुई बाटा एक ई तरफ पकण और एक ई तरफ पकण तो 20 बाटम हुई छ बॉडी खड़ बॉडी नमस्ते नमस्ते तमल कई बाटा कण जाना पे दुई बाटा बराबर छी दुई गांव में पहुंच दी। हां
चलो बढ़िया बहुत ही बढ़िया। तो कद का लोग मिल जाए गाँव में अभी मकान पर यम कोई नहीं छी और यम दिखेना छी छंदड़ा। तो देखो गोर बसुर बनिया छी और गली देखो भाई छिड़कना भी जगह नहीं छ मकान छिपिया छी आपस में और शायद अभी हम देखिए लेफ्ट जानो ला ये देखो सारा गांव में घूम गयो कोई मिलना ही नीचे तो। अच्छा दीदी मिल गया मैं। दीदी नमस्कार, कहाँ बटाना छो अब घास लाको नहीं लाई नहीं लान में घास लाको। हाँ लेकिन एक तो बेड़न वाल हिसाब किताब से मतलब रास्ता भी ना बढ़िया सी कि हर घर के चारों तरफ बड़ा रास्ता ही रास्ता बजावल कहाँ चल आप अपर घर तो नहीं पिसर था कभी किलाई तब तेल साइड बटे की अब यहाँ छो मेल साइड अपन त्याग भी बहुत ही ज्यादा मकान जगह ही नीचे बिल्कुल भी लेकिन लोग नहीं मिलना चाहिए शायद ही नहीं होने जाए वाला। काम काज करी का दी के कार है पांच चार। अच्छा तो पढ़े हो गए भैया कदा तक पढ़ बारह कख एक की बेदिखाल बेदिखाल अरे एक इंटर कॉलेज मूड भी सहदार हूँ तो बेदिखाल नजदीक पड़ दिया बढ़िया सहदार बेदिखाल। अच्छा त्याग बड़े का विपत्स दियो बेदिखाल में जाते मतलब ज्यादातर है यहाँ बेदिखाल निगण सहदार। अच्छा पढ़े दुई बड़े का कॉल बढ़िया ठीक ही है। तो बेदिखाल में कई कई गाँव बढ़ी स्कूल वो आंधी बच्चा बैंड अच्छे कुछ हो ना सर इलाका हुई। अच्छा बच्चा कद का वाला भी होगा वाला डेढ़ सौ पढ़ाई किस तरह से ठीक है बढ़िया से तीयो चापा घर यू कग जगह से मम्मी लोग मात लखड़ो को गया छी हां पापा से कोन वाला क्या रो। अच्छा कुछ मकान छुट भी की गांव में और अब जाना सुमेल तरफ पकड़ने। तो फिलहाल सब मकानों का जो से दरवाजा बंद दिखेना छी। ताऊ जी नमस्ते। नमस्कार साहब जी ठीक ठाक। हां तुम कुछ हो हम छोरीकनी खाल ब्लॉक बटे। अच्छा साहब आपक उम्र कद गज के सब हमारे भाई बहन सब एम की कम से कम 300-400-900 वाला ये वाला है। और जो महिला चोरखिंडा से कतरा छी वे में 40 एक वाला 40 एक है। तो दुई मतलब मिला के एक ही गांव छियो एक ही गांव छ। अच्छा बिल्कुल। तो बुजुर्ग लोग कदा रहे छी गांव में है बुजुर्ग लोग बुजुर्ग बीच हो बस सबसे प्रे। अच्छा एक को पालन छोड़ हम चाहिए ही मीजो। हां बस बुजुर्ग तर ये के जवान तर ये बिल्कुल जवान तर ये। हां तो आप तो बहुत पहले बड़े देखना चाहिए गांव तई कद का बदलाव देखना चाहो गांव में ये अब तो बदल गया ही। अब था ये बानी हो गया कहीं नचनी थी और हमें तो काम ही काम बोल ही का बिल्कुल और अब तो नचनी थी पड़ा पड़ा भी रुखा पड़ा देखा कहाँ तक नहीं थी और मोदी सर मोदी बिचारा का अनपढ़ जीवन बिल्कुल चौल। हाँ ये हो और कई दिन आप खेती बाड़ी करी खाओ बारी पलो। हाँ पिछू छोड़ तब बिल्कुल अरब तो सिर्फ 14 इले आप इतना स्वस्थ सो मतलब कच्चू पक्को जन मिल खा दे जन मिल खा दे। हाँ अरब 14 से पड़ो चोल पड़ी बिल्कुल अरे ये भी। हाँ अगर 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 ये चल 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 और देखो गांव में बहुत बढ़िया बात ही लगा कि गांव इतना बढ़ चे ये देखो आप तो टेलर्स भी नजर आला मतलब देखो रावर टेलर्स तब दुकान बंद करी छे। दीजिए नमस्ते। फोटो नहीं वीडियो भाई है? हम आप चोरखिंडा में घूमना करो ना। अच्छा वो मत्थी बड़ा दिखे सो काफी बड़ गाँव तो कहले बता की बोली बीरू खालक सबसे बड़ गाँव से। अच्छा क्या सबसे नीचे बड़ गाँव। अच्छा मतलब इससे बड़ा गाँव कोई नीचे बीरू खालक बीरू खालक डोमेल बोल दी। हाँ अच्छा आप हाथ मुख इधर लेट दोनों सो 12 बज गई हम तो पुंगड़ बटे आना चाहो पुंगड़ बटे लकड़ ले आना चाहो लकड़ बटे ना खाना बनाना तैयार होना हां खाना बना के पकेला तब आज इन करो ना छाछोली वाला पक ना और कपूल बना दो जरा। अच्छा कपूल है कपूल का या बदी हम तो नहीं खांदा कपूल
छाचा का झुंग्रियालु भन्छ के बोल्दै के बोल्दै झुंग्रियाल थोर छ अब सुरत नहीं पढ़नु अलग सुरा अलग तीस ताची दाल 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 पढ़नु है तो कोरे इंतजार करना होगी सबे तो हम बुढे जी बुआरी बुआरी कब बिजी कब जा रही बुआरी घास का घास लकड़ू कौन है अच्छा तो लकड़ू तेरे बहुत सगत सगत लेंदे लोग अरे शिपाया कटी ना अच्छा तो पाया का चीव है पाया का बिल्कुल बिल्कुल और गाँव के बीच बीच में भी देखो मकान कद ज्यादा टूटे भी बिल्कुल टूटे और यूल भी खेत का है आदिम परदेश रही है फौजी नौकर के आदमी बिल्कुल है बिना देश गए कमाना खाने मेर बाल बच्चा खाला है अतब कमाए कुमाए शो अब आधी मिनी से बिल्कुल गांव देखो लगभग मकान ज्यादातर टूट गए गांव में बस बांस फूट गया हां और मुख इधर बेकार भी लगना चाहिए टूटे मकान ना टूटे मकान कई दिन इन रावल के मड़ लोग वाला पूछ रहे दीदी खाए ले बॉडी खाए ले है सब अच्छा हां बिल्कुल तो का गावली लोग अत इन कहा जे तुम्हारा छफो ने बॉडी के नी तो लंगू था मैं हां बिल वाले का गावले बॉडी वाला लोग तो का जा रहा ये का शगुन चल गयो का अब पता चल गया मत यो दगर फोन फान थों दोनों का गरा फुट मोर बीत गई अच्छा और यू मकानों का हालत देखो न जाने कब टूट गए मकान साइड में जमी एक कंडेली और मत बढ़ाना छी हिसाला और मत और जमी पीपला गडाल ती मकान कब टूटल भाई जी ये मकान तो टूटा कब साल 20-25 साल हो गया ना हिसाब से एक स्थिति लगन की मत बड़े हिस्सा भी आ गई और मूड जो से सब कुछ सड़ गया जो भी भाई आगे रहो हां ये लाइन का सब मकान ही टूटा छी के बाद सब अच्छा है तेरे टूटा छी तो चलो दिखा दो एक बार वो मकान तभी और ये ऑल देखो ये भी छोड़ गया बिल्कुल ही जब उत्तरकाशी में आ वही अभी बीच में झटका नहीं आया भूकंप वही दौरान लेकिन मतलब जब जर्जर स्थिति बिल्कुल बिल्कुल तो देखो ये लाइन का सभी मकान है जो टूटिया ही मिला ला या तो छोड़े लोग देखो ठीक ठाक सो मकान है लेकिन पूरी तरह छोड़ी होगी दीदी नमस्कार आप तो बिल्कुल ही सोचम पड़ गयो क्या हर से के बोल दी प्रमुख सरमुख साहब के बोल दी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अभी सकल दिखाने का नाम नहीं बिल्कुल लेकिन प्रधानमंत्री भाई जी तो कम से कम राशन तो भेजना चाहिए वो तो राशन डायरेक्ट थोड़ा भेजना चाहिए वो तो जो हमारे पड़ोस जो तो पड़ोस ना पड़ोस लेकिन मतलब फ्री राशन बहुत दिया उन्होंने राशन चक्रम खेती बाड़ी भी त्याग दिया है ना क्या चम्म कुछ नहीं बिल्कुल राशन की खेती बाड़ी में से कुछ नहीं रखना जानवर बिल्कुल है ना जी अब 15-20 हजार रुपया अगर हमारा आदमी तनख्वाह लींदा तो आप गुजर भी हमारे गुजर भी बिल्कुल आप 5 किलो अंदर राशन मिलनी से तो आप कुल मिला के बोलन चाहो की राशन नहीं मिले लेकिन रोजगार मिल जाए रोजगार मिलो हमारे मालिक से मिले बिल्कुल जानवर रखना बिल्कुल खेती करें दादी नमस्कार लकड़ बटी आ गयो है तो सूखा झेरा ले आना छो अच्छा तो आप तो मत बिटाना छो अच्छा तो 30 लग गयो है पान पे आता हम अच्छा तो अकेले ही जाया छे तो कब चापा घोरे बीच गांव में दी
गौमी छ अच्छा कता है सिताय ल या इता पेन बाटो त दगडमा पुरन्दी त भ कोही नि छ मि मि छ बाहर छ सब सब बाहर छ त दगडमा चल जाउँ बाबी ल फुका ती पाण त चाण खण ले जाडो छ खाना भी मि बडन दो खानु पएन गैस नि धर्यो छ छ लेकिन गैस बचाउन भित्र त बिल्कुल बिल्कुल के खाएको तब रोटी सब्जी हां आलू की सब्जी हां और वो गुरमली के बजे बोड़ी अच्छा बड़ी बड़ी आलू अच्छा गुरमली हां दो रोटी खा गया दो हाव खाऊंगा अच्छा बचा रो लाऊं थोड़ा गरम कर बार बार कौन बनाए कौन बनाए बिल्कुल दीदी आपका बढ़ाना छो मती भी क्यार बाड़ी करियो सबसे बड़े मिले गाँव में जाके की गाँव चारों तरफ पानी पानी ये भी पानी है भाई एक बार में बंदूक ले गोले तब हाँ अच्छा और गाँव के ठीक मैल तरफ एक मंदिर से बद्रीनाथ जी है एक पूजा कब कब कर दो आप हम 14-15 जून हर साल पंद्रह सब गांव ला शामिल होंगी सब गांव वाले सभी नेगी बंदूक छ मारो अच्छा नेगी बंदूक पर सब लेकिन पूरी होंदला है और यू बर्नस गांव का पंचायत घर है तो पंचायत घर पहले नहीं गांव में किले नहीं छाई गांव में के घर कर दो हम सारे बैठक अच्छा ओके चलो जो खाली वाल मकान पर है मतलब 25-30-35 साल बैठे वही में हो चलो अच्छा प्रधान था यार नमू पापा हां 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 तब वो बैठे वक्त में हूँ अच्छा है? लेकिन अब बात बैठ गए सब में हूँ बिल्कुल बिल्कुल अब नए बन गए तब ये मॉल है नहीं बन गया है हाँ अब ये कर लो तो इधर साल बट किले नहीं आओली पंचायत कर जगह कमी छाए क्या जगह कमी अच्छा किले के गांव बहुत ही ज्यादा चार मतलब ईद का भीड़ भाड़ से गांव में हम खुद ही बिरेड गए होते और कुछ मकान ही रहो लगे दिन है हाँ ये छनी छे का छन छे ना अच्छा तो मिले ही सोचना छो की गांव में लोग कम दिखना छे किले की सब अपन काम काज पर है तो आपका बढ़ाना छो मैं तो क्या बढ़ू गोड़ी गोड़ लायक होगी प्याज दे गोड़न कबड़ी वो गोड़ी ना जो गोड़ी खजाना जो फिर सुंगर अच्छा तो जगल तो नहीं छोता जगल तो नहीं छो कहीं जगल ये क्या बोले जंदे कहना कोटल कोटली है आई हुआ है कोटल जोड़ हाँ केक बन दूँ बांझा जाओ बांझा की सही ये भी लगी अच्छी बहुत ज्यादा सूला और जाना छो अब रोड मार देखो सीमेंट चो रोड और गांव ई साइड में बिल्कुल रोड के पल छाल पर तीजी गांव बटे बिल्कुल अब रोड में पहुंच गयो और गेट पर लिखियो छ आंदा जांदा रहिया तो ठीक छ भाई लोगो जरूर ओला दोबारा आपा के गांव में दीदी बिसा दियो नी मैं बिसाने तेल के हां मिलो अल बिसा दियो घर ही होनो ना बाबा ने होनो घर तो दगड़म सू घास भी और धूल भी धूल भी क्या कर एक ही बार एक बार कदक अच्छी गोर भैंसा 5 हाँ लेकिन आप गाँव में बहुत ही मजा आ गया हम तो अच्छा की जगह जगह थोड़ा बीरेड भी गया मतलब चले मध्यम चले चार ना दीदी कोई अरे चले दी अब हम लोग बेदी खाल जाना चले चले ना 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 धन्यवाद चले दी बेदी खाल जाना बोल यार मिल तो हम दे जान चाय ना पानी थोड़ा आप लेट कर देना अरे चल कितने हो लेट ना 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 कोई बात नहीं गाड़ चल तेरे पर ही हां गाड़ से दीदी जने हम लिखे ग्राम सभा चोरखिंडा और फेरी वाले अथवा बल बाहरी व्यक्ति गांव में आना सख्त मना है बल हाँ लेकिन हम भी तो बाहरी व्यक्ति से खेलता हूँ कुछ नहीं तो तेल चोर का नहीं हम जाना चाहे वापस तो भाजी मिल गई भाजी आना चाहे बेदी खाल बटी तो भाजी बताओ जरा पूर्व बारे में आप ये गांव का ही छो हम ये गांव के छो हाँ जी और पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का नहीं जी धन्यवाद जो कि आप हमारे वास्ते बहुत दूर तक आप चैनल माध्यम से पहुंचाना बिल्कुल ठीक है जी जो कि एक हमें एक हॉस्पिटल कर्मचारी छो संविदम अच्छा कक बेदी खाल में ना बीरुखाल बीरुखाल में अच्छा और घरल जोच मेरी हां क्षेत्र पंचायत छी अच्छा ग्राम सभा चुरकिंडा लोदली कद गांव आंदोलन क्षेत्र पंचायत एक हमार 3-4 गांव ने बिल्कुल ठीक है सर तो एक हमार जो छी कि आज दिन तक मैंने ये विकास मैंने क्या अच्छा कि विकास की दौड़ से दूर था हमारा हां बिल्कुल तो मैं यहां पे जो है मंडल में इस क्षेत्र में भाजपा शक्ति केंद्र में प्रभारी भी हूं बिल्कुल भाजपा से तो आज दिन तक ये हो जाए कि एक हम गांव में काम तो होना चाहिए हाँ। पर काम वही ढंग से नहीं होना चाहिए बिल्कुल कि जन मनने का दीवार बन गई या वो बन गई तो गांव का विकास जो है कि पहले हमन फर्स्ट व्यू ये उनके गांव को देखते हुए पता चल रहा है कि इस गांव में विकास हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल तो आज जो कि हम ये विकास की ओर पूरी तरह अग्रसर छ बिल्कुल ये हमारे माननीय विधायक सावल टाइल्स और ये कुर्सियां दी बिल्कुल और यो जो हमारे भूतपूर्व जिला पंचायत जी द्वारा दी यात्री सड़क भी निर्माण हमारे द्वारा हुआ है बिल्कुल ठीक है ये लैट्रिन बाथरूम जो है ये हमारी क्षेत्र पंचायत निधि से हुआ बिल्कुल और ये गेट हमारा जो देख रहे हैं आप ये जिला पंचायत
से अध्यक्ष ने बनाया। बिल्कुल ये बहुत बड़े रेवा लिखी हुई की आंदा जाना रहे, रहे बिल्कुल बहुत बड़े होकर। और यहाँ पे जो है कि ये खमीर रोड सीधा पंचायत भवन नीचे आज दिन तक हमारे बहुत बड़े ग्राम सभा है। बिल्कुल तो यू मान्य महाराज जी जो हमारे विधायक छी बिल्कुल हमारे पूर्व साथ बिल्कुल थोड़ा बस थोड़ा हम तो इन लगी रोड कंडीशन बहुत ही खराब कंडीशन ना मैं आप तो पूर्व बताने रोड कंडीशन क्या थी कि इसका अभी जो है ये काम हुआ अब कोयल दारा के एक पूरी हुई एक पैसा आई हुई बिल्कुल ठीक है। आप बल्कि नहीं बोर्ड बीरू खालम जाके भी देख सकता शिलान्यास बीरू खालम गेट बनी हुई है ना। हाँ जी ना शिलान्यास पत्थर वो लग गया पत्थर अभी आने वाले तो जो जी रोड का अभी काम होना चाहिए अभी ठंडी कारण से कोयल दार नहीं हुए बिल्कुल इसका भी पैसा आ चुका है मतलब इलेक्शन से पहले पहले बढ़ना सर बिल्कुल संभावना मार्च में आपको आप हमारा नंबर ले जाना मार्च में बिल्कुल बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। और एक हम देखना चाहो आप कच्ची रोड से उतार ठीक है सेंदार तक सेंदार तक तो उसका भी डामरीकरण का पैसा आ चुका है और उसके जो ठेकेदार हैं वो हैं सीओसी से कंडारी जी बिल्कुल बिल्कुल उसका भी पैसा आ चुका है बल्कि मेरे पास पूरी प्रतिलिपि है। अच्छा अच्छा अभी बिल्कुल। अभी जो हमारी पार्टी काम क्या कर रही है मैंने एक पार्टी के मैंने स्वच्छ सभी मोदी जी के हम उनपे कदमों पे चल रहे हैं बिल्कुल चलो ये तो हो गया विकास कार्य बात है ना विकास कार्य लेकिन तो जन पलायन होने से गांव में थोड़ा सी एक बार हो रही हाँ जी तो ये हमारे भूभाग बहुत ये कनेक्टिविटी नहीं चाहिए बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं तो कनेक्टिविटी के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी बिल्कुल और हमारे एसएससी विधायक एवं कैबिनेट मंत्री सफल महाराज जी के द्वारा मैं देहरादून गया और एक कनेक्टिविटी के लिए टावर भी लगा रखा है ऊपर। अच्छा मथी का है हाँ जी अजन हम शहनार गांव में गो ना वो तो नेटवर्क बिल्कुल जीरो छे नहीं 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 एक हम कनेक्टिविटी मैं खुद गया हाँ लेकिन वैसे कुछ सिम वाल मीम बोड़ा फोन चाहे फिर जियो तो पकड़ना चाहो जियो जो है जियो का ये है टावर लगाया मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें पूरा साथ रहा बिल्कुल। और गांव को जो आप बुना के था कि पलायन हाँ जी पलायन के विशेष देखो ऐसे हमले भी पड़े एक ही कर मतलब मतलब पलायन रोकना सरकार तो क्या ध्यान देना चाहिए सरकार थे ये ध्यान देना चाहिए कि जन माने अभी तो सरकार द्वारा की कुछ घोषणा भी हुआ है कि प्रत्येक ब्लॉक में एक केंद्रीय विद्यालय बिल्कुल खोला जाए ठीक है सर जी तो केंद्रीय विद्यालय खोले जाए तो केंद्रीय विद्यालय खोले जाए तो कुछ मैंने मेन बात एक हम के हो गया कि सब चीज खोल दूला पर बेरोजगारी जो है हमारी जो है कि यहाँ जो हमारे शासन से ज्यादा मांग से कि एक हम थोड़ा थोड़ा क्षेत्रों में हाँ। एक कंपनी या कुछ जड़ी बूटी वो एक साधन इकट्ठा करे तो इस विषय में हमारा भी ये हो चाहिए कि जो पहाड़ बटी अधिकतर प्लान होना चाहिए ये प्लान हम थोड़ा हमारे सरकार से ये की जन मैंने शिक्षक हुए माँ थोड़ा स्वास्थ्य हुए माँ सुधार करे और फिर जो की जो यहाँ पे थोड़ा सा बेरोजगारी है और थोड़ा कनेक्टिविटी मतलब ध्यान दिया जाए बिल्कुल। और अगर पर्यटन क्षेत्र से देखा जाए तो मतलब उत्तराखंड में बहुत कुछ बहुत लेकिन मेन चीज कनेक्टिविटी से रलता भी तो पर्यटन तभी बिल्कुल कनेक्टिविटी सही रहेगी तो हर जगह वो होगा बिल्कुल बिल्कुल इसके बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बताओ ये कमी आज रहा है थोड़ा सा इसका हमारा मेन बात यह है कि हमारे वहाँ 90% सैनिक है बिल्कुल और 90% सैनिक होने के कारण से आज दिन तक सम्मान तो होता था उनका बिल्कुल बिल्कुल पर वैसे सम्मान नहीं करते तो ये हमारी घरवाली माने जो बीडीसी मेंबर है बिल्कुल निर्मला देवी और हम खुद ही समाज सेवक दिलीप सिंह बिल्कुल ठीक है सर एक हम हमारी पूरी ग्राम सभा हम सब एक त्रित हुआ बिल्कुल और हमारे सैनिक जो थे उनके सम्मान में हमारा तिरंगा 24 आवर्स बिल्कुल खड़ा रहेगा बिल्कुल, बिल्कुल और उनको सब सैनिकों को हमने अपने हमारे ग्राम समाज ने सम्मानित किया बिल्कुल बहुत ही आप थे ये बोलना चाहना चाहो कि ये आवाज हमारी बहुत दूर तक ले जाए बिल्कुल जाल हर, हर किसी प्रतिनिधि को बोलते हैं कि सरकार काम नहीं दे रही आप तो यहाँ पे खुद देख रहे होंगे कि क्या काम नहीं हो रहा जब हम सरकार के पास जाएंगे सरकार हमारे को वैसे नहीं लौटाएगी बिल्कुल बिल्कुल कुछ ना कुछ काम कुछ ना कुछ काम कुछ अपने हम तक कोशिश करो कोशिश करना पड़ेगा। मैंने ये एक छोटी सी हमारे हमने ये सोचा कि यहाँ पे एक ताबूत यहाँ पे वो बना दे हम पेंट लाए कुछ खर्चा प्रतिनिधि अपनी जेब से भी लगाए बिल्कुल बिल्कुल तो गांव कहीं ना कहीं से सुधर सकते बिल्कुल बिल्कुल ठीक है चलो जी बहुत 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 धन्यवाद भाई साहब नमस्कार जी हाँ।